इन गमलों को बनाना इतना आसान है कि आप चुटकियों में बनाकर खुद ही तैयार कर लेंगे। आज मैं आपको मोस्ट इजी तरीके से बहुत ही प्यारा सा प्लांटर बनाकर सिखाने वाली हूँ, जिसको बनाना बिल्कुल ही आसान होगा। और इस टाइप के गमले सच में मार्केट में बहुत ही ज्यादा महंगे मिलते हैं, आप घर में बिल्कुल आसानी से और बहुत ही सस्ते में बना पाएंगे। तो इस टाइप के गमले बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ बलून्स। तो मैंने यहाँ पर मेरे पास ये दो बलून फुलाकर रख लिए हैं, आपको फुला लेने हैं। आप जितने भी गमले बनाना चाहें आप उतने बना सकते हैं। आपको ये भी बता दूं कि मैंने मेरे घर से इन बलून से बहुत सारे गमले बनाए हुए हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे घर में जो भी सबसे ज्यादा सुंदर अगर कोई प्लांटर है ना, तो वो मैंने बलून से ही बनाया है, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लगता है और देखने में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगता है गमला, और बिल्कुल आसानी से वो अपने घर में बना सकते हैं। सबसे पहले आपको ले लेना है कोई भी न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर के हम लोग कर लेंगे छोटे छोटे से टुकड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने न्यूज़पेपर के इस तरह से छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं, इसी तरह से आपको भी कर लेने हैं। और उसके बाद हमें चाहिए थोड़ा सा पानी। यहाँ पर मैंने इस प्लास्टिक के बाउल में रख लिया है पानी। पानी लेने के बाद हमें यहाँ पर 2-3 मिनट के लिए अपने इस जो हमने यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग की है इसको यहाँ पर ऐसे, और इस तरह से आप देख सकते हैं ये पानी उन्होंने थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर लिया है। इसके बाद अब हमने जो यहाँ पर बलून बनाए हैं उस बलून को यहाँ पर बहुत ही आराम से इस बलून के चारों तरफ लगाएंगे इस न्यूज़पेपर की कटिंग को। तो पानी हमने यहाँ पर चिपकाया है, इसलिए मैंने पानी से गीला किया था ताकि ये आराम से इसमें ऐसे चिपकता जाए। धीरे धीरे करके हमें इसी तरह पूरे के पूरे बलून में एक लेयर पूरी की पूरी यहाँ पर इसकी चिपका देनी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मैं जो यहाँ पर पहली लेयर यहाँ पर चिपका रही हूँ इसमें मैंने मात्र पानी मिलाया है इसके लिए, और आराम से इसे ऐसे हम देख सकते हैं आप ये बिल्कुल अच्छे से चिपकता जा रहा है। ऐसे ही करके पूरे के पूरे गमले जहाँ तक मुझे गमला बनाना है वहां तक मैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसी तरह से मैं इसमें पूरा का पूरा चिपका दूंगी। एक लेयर यहाँ पर मैंने बनाकर लगाई है पूरे के पूरे बलून में न्यूज़पेपर, तो उसी तरह से आपको भी ऐसे ही लगा लेना है। और मैंने इन दोनों के दोनों बलून्स में आप देख सकते हैं सेम तरीके से यहाँ पर न्यूज़पेपर लगा दिया है, ऐसे आपको लगाना है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो जो हमने यहाँ पर कटिंग कर रखी है न्यूज़पेपर की उसी से अभी हमें काम करना है। ये मेरे पास थोड़ा सा फेविकोल है, सॉरी आप सोच रहे होंगे ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में एक्चुअली मैंने फेविकोल भरा हुआ है। तो इस फेविकोल को यहाँ पर 1 चम्मच फेविकोल को लूँगी, और ये देख सकते हैं आप थोड़ा सा पानी है इसी में मैं अच्छे से इस फेविकोल को मिक्स कर दूँगी और इसी में न्यूज़पेपर और ज़्यादा डिप कर दूंगी। यहाँ पर मैंने बस थोड़ा सा फेविकोल ले लिया है और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और उसमें और बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग डाल दूंगी। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसको घोल दिया है, और घोलने के बाद मैं इसमें और भी अपनी सारी न्यूज़पेपर की कटिंग डाल दे रही हूँ। जो हमने अभी यहाँ पर न्यूज़पेपर की कटिंग इसमें डाली है, अब आ रही है ये सारी की सारी न्यूज़पेपर की कटिंग। अब इसमें हम फिर सेकेंड लेयर लगाएं, तो आपको याद रखना है ऐसे टोटल हमें 3 लेयर और लगानी है जो कि है न्यूज़पेपर की फेविकोल की, ताकि हमारे जो गमले का बेस है वो अच्छे से मजबूत हो जाए। तो बहुत ही ईजिली बस एक एक आपको ऐसे उठाते जाना है एक एक कटिंग, और बस जैसे नॉर्मली हम चिपका रहे थे इसी तरह से हम इसके ऊपर सेम तरीके से एक लेयर और चिपका देंगे, और उसी तरह से मैं यहाँ पर टोटल 3 लेयर चिपकाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा ईजिली आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से ये गमला बन जाएगा। मैं आपसे मिलती हूँ इसमें अच्छे से गमले की 3 और लेयर लगाने के बाद। और यहाँ पर मैंने मेरे इस गमले में 2-3 यहाँ पर लेयर बनाकर लगा दी है। अब इसमें लेयरिंग का काम हो गया है ख़त्म, और पूरे में आप देख सकते हैं कुछ कुछ जगह मैंने एक साथ दो दो तीन तीन कटिंग पकड़ के एक साथ ही लगा दिया ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे इसमें। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा अभी का हमारा जो काम हो गया है ख़त्म, गमले में बहुत अच्छे से मैंने लगा दिया है न्यूज़पेपर। 3-4 घंटे अब हमें वेट करना पड़ेगा। 3-4 घंटे जब हम लोग वेट कर लेंगे तो ये अच्छे से सूख जाएगा। आप इसके किसी फैन के नीचे रख दीजिएगा, धूप में आप ये काम मत करिएगा, धूप में इसको मत रखिएगा बलून को, अदरवाइज जल्दी फूट जाएगा। इसलिए जब तक ये सूख ना जाए उसके लिए अभी हम इसको फैन के नीचे रख देंगे ताकि आराम से सूख जाए, या फिर आप घर में ऐसे ही छोड़ दीजिए तो अपने आप ही ये सूख जाएगा। तो मैं 3-4 घंटे के बाद अब इसमें नेक्स्ट स्टेप का काम करेंगे। और जैसे ही मेरा बलून हल्का हल्का सा सूखा मैंने उसमें पूरे में लगा दिया था टेप, ताकि जब मैं इसमें मसाला बनाऊं तो ये बहुत ही प्रॉपर बनकर तैयार हो। बस आप देखते जाइएगा टेप लगाने से ये गमला बहुत ही इजीली बन जाएगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने अब बलून का काम हो गया है जब खत्म, तो उसको फोड़ भी दिया। हमने इसका बलून फोड़ दिया है और अभी आप देख सकते हैं हल्का हल्का गीला है, पर इसमें टेपिंग है इसलिए ये अभी के लिए बहुत ही मजबूत है। और देख सकते हैं बिल्कुल गोल बनकर जमा हुआ है। ये कमाल की
केवल टेपिंग करने से हुआ है। आप आ रही है इसमें आगे का काम स्टार्ट करने के लिए, तो अब हम सीमेंट का घोल बनाएंगे और इसमें अंदर से डालेंगे। आप चाहे तो घर बनाने वाली सीमेंट भी यूज कर सकते हैं, पर मेरे पास ये यहाँ पर व्हाइट सीमेंट रखी हुई है और मैं इसी से आपको अभी बनाना सिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं, ये 1 किलो का पैकेट मैंने मंगाया था, ये बहुत पुराना है और अभी तक चल रहा है। तो किसी ना किसी चीज में मैं गमले बनाने में मोस्टली इसको बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, तो यहाँ पर मैं इसी का यूज करूंगी। अभी हमें मात्र यहाँ पर 2 से 3 चम्मच व्हाइट सीमेंट लेकर के उसका घोल बना लेना है, उसके बाद हम इसका घोल बना के इसमें आराम से अंदर डालेंगे। यहाँ पर मैंने डाल दिया है व्हाइट सीमेंट और इसका मैंने घोल बना लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बस इतना गीला रखना है आपको, इससे ज्यादा गीला नहीं करना है। बस ये आपको ये देखना है कि ऐसे करने में ये चारों तरफ आराम से जाने लगा या नहीं, और ये समझ लीजिए आपका घोल बनकर के तैयार हो गया। अब हम इसमें आराम आराम से इसमें डालते जाएंगे और बहुत ही अच्छे से इसमें चारों तरफ से फैला देंगे। बस आपको 3 से 4 चम्मच लेकर सीमेंट का अच्छे से घोल बनाकर उसको फैलाना है, जिससे इसकी पहली लेयर का काम हो जाएगा खत्म। आप देख सकते हैं मैंने इसमें बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ से अंदर से व्हाइट सीमेंट लगा दी। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये व्हाइट बाहर से टेप लगा हुआ है और अंदर से व्हाइट सीमेंट है। अब इसमें 1 लेयर हो गई है, जब ये सूख जाएगी, इसके सूखने में कम से कम हमें यहाँ पर 5-6 घंटे का वेट करना पड़ेगा। 5-6 घंटे हो जाने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप का काम करेंगे। तो इस तरह से जैसे ये सूख गया है, अब इसके बाद हमें वेट करना होगा। तो बस आप जब इसको रखेगा तो आप ये प्रॉपर बराबर ऐसे जम कर तैयार हो, इसलिए बिल्कुल आपको बीचों बीच ऐसे टिका कर रखना है इसको। अगर किसी चीज में आपको रखने में दिक्कत आए तो आप ध्यान रखिएगा, आप किसी डब्बे या फिर किसी लोटे या फिर किसी भी बर्तन में आप रख दीजिएगा, जिसमें आराम से ये प्रॉपर बीचों बीच कुछ इस तरह से रखा रहे, ताकि ये इसका आकार जो है प्रॉपर गोल बनकर तैयार हो। तो ऐसे ही आपको रख देना है 5 घंटे के लिए। अब हम 5 घंटे के हो जाने के बाद इसमें दूसरी लेयर लगाएंगे, और इसी तरह से मैंने इसमें 3 बार सीमेंट का घोल बना करके डाला है। इतने में ही गमला प्रॉपर मजबूत हो जाएगा, और अब आप देख सकते हैं मेरा गमला जो है वो बहुत अच्छी तरह से सूख गया है। और मैं एक चीज आपको और शेयर कर दूं, जैसे कि आप लोग इसको थोड़ा सा जल्दी सुखाना चाहते हो तो आप जल्दी के लिए इसे धूप में रख सकते हैं। धूप में आपका मात्र आधे आधे घंटे में इसकी लेयर सूखती जाएंगी और उसमें आप सेकेंड लेयर चढ़ाते जाएंगे। गमले में सीमेंट की 3 लेयर लगाने के बाद अब आ रही है इसे हटाने की। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो मैंने टेपिंग की थी, बहुत ही इजीली ये निकल कर बाहर आ जाएगी और बहुत ही इजीली आप न्यूज़पेपर भी सारा का सारा हटा पाएंगे। और अब मैंने जब इसको हटाकर साफ कर लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा गमला कुछ इस तरह का बनकर के तैयार हुआ है। न्यूज़पेपर की थोड़ी बहुत इसी इसमें डिजाइन रह गई है, तो इसे बिल्कुल चिकना करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 320 नंबर रिगमॉल का, और उसे मैं अच्छे से इसमें घिसाई करूंगी। आप चाहें तो कोई भी रिगमॉल ले सकते हैं, इससे बहुत ही इजीली आप देखेंगे इसे बहुत ही इजी तरीके से क्लीन होता जाएगा। किसी भी चाकू से इसे अच्छे से इसकी बॉर्डर क्लीन कर दो, और इस तरह से देखिए हमारा ये जो गमला है कितना प्यारा सा कंप्लीट हो गया है। इस टाइप के गमले मार्केट में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं और हम अपने घर में कितने ज्यादा इजी तरीके से बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा अब गमला हो गया है कम्प्लीट। मैंने इसकी बहुत अच्छे से घिसाई कर दी थी, जिससे ये प्रॉपर कम्प्लीट हो गया है। अब आप चाहे तो इसमें प्लांट लगा सकते हैं। तो प्लीज अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर कर जाएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिए। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये पूरा व्हाइट है, अगर आप इसमें कलर भी करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर इसमें कोई और क्ले से आर्ट करना चाहे या वॉल पुट्टी से, तो भी बहुत सुंदर सी आप डिजाइन बना सकते हैं। मैंने मेरे घर में इस तरह से बहुत सारे गमले बनाए, जिसमें मैंने बलून से गमले बनाकर इसके बाद उसमें क्ले से आर्ट की है, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। और साथ में आपको मेरा ये दूसरा गमला दिखा रही हूँ, जो कि मैंने सेम तरीके से आप देख सकते हैं मैंने बलून से ही बनाया था, और उसमें मैंने बहुत ही प्यारी सी क्ले आर्ट की है। इसका भी वीडियो मैंने मेरे चैनल पर डाला हुआ है, ये मैंने डिजाइन कितनी ज्यादा इजी तरीके से बनाई। और साथ में मैं अपना एक और गमला दिखा रही हूँ, जिसमें मैंने पेन स्केल्स वगैरह भर रखे है, देख सकते हैं आप। इसमें मैंने बहुत ही प्यारा सा वॉल पुट्टी से यहाँ पर मैंने सेम तरीके से बलून का गमला था, इससे मैंने कमल बनाया है। और देख सकते हैं आप, जैसे ही कोई मेरे घर में आता है सोचता है कि वाह, इन्होंने कितना ज्यादा महंगा महंगा सामान खरीद के रखा हुआ है, और बस थोड़े से एफर्ट से मैंने ये सारी चीजें बनाई हैं। तो प्लीज अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लग रहा हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो वीडियो लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरे साथ बने रहे। थैंक यू। प्लीज मेरी वीडियो को शेयर जरूर करिए, जिससे लोगों तक ये आइडियाज पहुंच सके।